दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसी दुनिया के बारे में बात करना चाहेंगे जहां पहुंचना बहुतों की ख्वाहिश होती है पर पहुंचना उतना ही मुश्किल है। चकाचौंध से भरी बॉलीवुड की दुनिया भाई। दोस्तों, ये जो दिखता है ना वो असल में होता नहीं। यहां सुंदर दिखने के लिए महंगे कपड़ों से लेकर प्लास्टिक सर्जरी तक का सहारा लिया जाता है, जो ना सिर्फ इनके चेहरों के दाग धब्बे और झुर्रियां छुपाती है बल्कि इनकी असली उम्र भी छुपाने में काफी मदद करती है। आपको देखकर पता नहीं चलेगा कि इनकी असली उम्र कितनी है। बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को देखकर कोई भी इनकी उम्र का पता नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, आज हम इनकी पोल पट्टी खोलने ही सोची है और आपको इनकी उम्र के बारे में सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखने वाला हूँ। बने रहिएगा हमारे साथ बॉलीवुड की रंगीन दुनिया की सच्चाई जानने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन बिग बी की। बिग बी के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन को भला कौन नहीं जानता होगा। 11 अक्टूबर 1942 को जन्मे अमिताभ बच्चन आज 78 साल के हैं, लेकिन मजाल है कि कोई इन्हें 50 से ऊपर का कह दे। इन्होंने हमें एक से बढ़कर एक फिल्म दी हैं, जो आज भी घर घर में देखी जाती हैं। बॉलीवुड की अदाकारा शिल्पा शेट्टी से लेकर जिनको देखकर उनके अनेकों चाहने वालों और फैंस का दिल धड़क उठता है। शिल्पा शेट्टी इतनी खूबसूरत है, उतना ही उन्होंने अपने फिटनेस को भी बरकरार रखा है और उनकी हाइट भी जबरदस्त है भाई। 8 जून 1975 को उनका बर्थडे और आज 46 साल से भी ज्यादा की उम्र की हो गई है वो, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे मात्र 25-26 साल की हो। शिल्पा शेट्टी ने मानो अपनी उम्र को काबू में कर लिया है और अपने हुस्न को बस में कर लिया है। जॉन अब्राहम बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर्स की और उनकी बॉडी तो भैया क्या ही कही जाए, मतलब कमाल है ना। उनको देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि 17 दिसंबर 1972 को जन्मे आज ये 49 साल के हो चुके हैं। इनके सिक्स पैक्स को देखकर अनेकों लड़कियां इनके साथ, ओहो क्या कहें, लड़कों की भी सांसें रुक जाती हैं। अब अगले नंबर पर हम बात करेंगे हमारे अकी भाई साहब अक्षय कुमार की, जो कि जितने सीधे साधे लगते हैं उतने ही नटखट मिजाज भी हैं। जैसे इनकी एक से एक हिट मूवीज की संख्या आज काफी ज्यादा है, वैसे इनकी उम्र भी अब 50 का आंकड़ा पार कर रही है और आज ये 54 साल के हैं। वैसे तो अक्की सर 9 सितंबर 1967 को जन्मे हैं, पर किसी की हिम्मत है जो कह सके अक्षय कुमार उम्र दराज है? क्यों, ठीक है ना, अलग ही अंदाज है अपना, अलग ही स्वैग है। उस सब के लिए जाने आने वाले हमारे मुन्ना भाई संजू बाबा यानी संजय दत्त 29 जुलाई 1959 को जन्म लिए। इनकी उम्र अभी 62 वर्ष हो चुकी है, पर इनकी फिटनेस और लुक को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये 40 के भी होंगे। संजू बाबा की आज इतनी सारी हिट मूवीज हैं और लगातार आई जा रही है। हमारी दुआ है कि इनका करियर बहुत लंबा चले भाई। सीरियस और कॉमेडी की तरह मतलब हर रोल को बखूबी निभाने वाले अजय देवगन आज 52 साल का आंकड़ा पार कर रहे हैं। इनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को हुआ था और आज अजय देवगन 50 के ऊपर के हो चुके हैं। इनकी सीरियस मूवीज दिलों को छूती तो है, साथ ही इनकी कॉमेडी मूवीज का भी कोई जवाब नहीं होता भाई। ढाई किलो का हाथ वाले हमारे सनी देओल को हम कैसे भूल सकते हैं। 19 अक्टूबर 1956 को जन्मे सनी देओल 64 साल के हो चुके हैं, मगर आज भी इनकी फैन फॉलोइंग में भैया इनका क्रेज कम नहीं है। भले ही आज ये कम मूवीज करते हैं, लेकिन सनी देओल की एंट्री दिलों को हिलाकर रख देती है। जब बात हो रही है बड़े भाई की, तो हम छोटे भाई को कैसे भूल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सनी देओल के छोटे भाई बॉबी देओल की। इन्होंने बड़ी मेहनत से हमें अनेकों मूवीज दी हैं और हमारा खूब इंटरटेन किया है। 27 जनवरी 1969 को जन्मे बॉबी देओल भी अब उम्र में अपना अर्धशतक मार चुके हैं, यानी 50 या 53 साल के हो चुके हैं। जैकी श्रॉफ। तो आइए दोस्तों, एक्टिंग की बात करते हैं, अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले जैकी श्रॉफ के बारे में, जिनकी उम्र इस समय 65 साल है और इनका डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 1957 है। आपको बता दें कि आज भी एकदम फिट और तंदुरुस्त हैं। अभी कुछ महीनों पहले ही हमने इन्हें इंडियन आइडल के मंच पर देखा था, जहां ये बहुत ही मस्त और फिट लग रहे थे। आलिया भट्ट, इनका चेहरा भैया जितना क्यूट है, इनकी एक्टिंग भी उतनी दमदार है। अब भले ही उनके पिता के कारनामे देश भर में बदनाम हो, लेकिन इनकी बिटिया रानी बिल्कुल टॉप की एक्ट्रेस है, जिसने छोटी सी उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मचा कर रख दिया और सुना है आने वाले समय में कपूर खानदान की बहुरानी बनने वाली, जहां इनकी पूरी फ्यूचर प्लानिंग मात्र 29 साल की उम्र में हो गई। जी हां, आलिया का जन्म 15 मार्च 1993 को हुआ, जिस हिसाब से इस समय 28 साल की हैं और अभी हाल ही में साउथ की मूवी RRR में धमाल मचा रही हैं। आलिया की बात हो रही है तो चलिए साथ ही रणवीर बाबा की भी पोल खोल देते हैं। भले ही एक्टिंग के मामले में कितने भी जबरदस्त और गजब क्यों ना हो हमारे रणवीर कपूर, मगर बाबा दिल के मामले में कच्ची है। रणवीर कपूर और आलिया की बात हो गई है तो भैया रणवीर भैया का भी जिक्र कर लेते हैं। रणवीर भैया की उम्र 40 साल होने को है, मगर आज भी जवानी इनके अंदर भरी हुई है। करोड़ों दिलों की धड़कन कटरीना कैफ के चाहने वालों की तो कोई कमी नहीं है। आधे से ज्यादा कैट के फैंस तो इनके पीछे एक इशारे पर जान तक लुटाने को तैयार हैं। लेकिन 16 जुलाई 1983 को जन्मी कटरीना कैफ 38 साल की हो चुकी हैं और हाल ही में इन्होंने अपना दिल विकी कौशल पर हार कर उनसे शादी भी कर ली है। मानो जैसे हजारों दिलों पर छुरियां से चला दिए। शाहिद कपूर हमारे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर भले ही हैं, लेकिन लंबी कदकाठी की हो या ना हो, आपको एक बात माननी पड़ेगी कि 25 फरवरी 1981 को जन्मे शाहिद कपूर भले 41 साल के हो, लेकिन अपनी एक्टिंग के मामले में अच्छे खासे नौजवानों को पीछे छोड़ देते हैं।
आमिर खान हमारे मिस्टर परफेक्शनिस्ट भले ही साल भर में एक आधा पिक्चर ही करते होंगे, लेकिन बॉलीवुड के सारे आंकड़े तोड़कर रख देते हैं। पर जब बात इनकी उम्र की आती है तो 14 मार्च 1965 को जन्मे आमिर आज 57 साल के हो गए, पर सच में इनकी उम्र 30 से 32 से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगती। ऋतिक रोशन के चेहरे पर तो बॉलीवुड छोड़ दीजिए, हॉलीवुड तक की हसीना पागल है। अब क्या करें, हमारे ऋतिक रोशन है ही इतने हैंडसम, और आप यकीन नहीं मानेंगे, ऋतिक रोशन 48 साल के होने के बावजूद लड़कियों के बीच बहुत ज्यादा डिमांडिंग एक्टर है। दीपिका पादुकोण के बेगम रणवीर सिंह, ओहो, दीपिका के हस्बैंड रणवीर सिंह भी किसी से कम नहीं है। इनकी बेस्ट एक्टिंग से लेकर इनकी कॉमेडी वाले सीन्स तक एक से बढ़कर एक रहे हैं। और जब बात इनकी उम्र की आती है तो ये भी अपनी बेगम दीपिका पादुकोण की एज के मतलब 36 साल के हैं। जहाँ एक्टिंग की बात हो, दीपिका का नाम ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? आज के समय में अगर सबसे बेस्ट एक्ट्रेसेस किसी को कहा जाए तो हमें लगता है कि दीपिका पादुकोण की जगह कोई और ले ही नहीं सकता। और अगर सुंदरता की बात करें तो इनसे बढ़कर कोई भी नहीं हो सकता। इनको देखकर लगता ही नहीं कि ये 36 साल की हो गई है, मानो ऐसा लगता है जैसे अभी एक खिलखिलाती बच्ची हो। प्रियंका चोपड़ा, दोस्तों हमारी करोड़ों दिलों की धड़कन कही जाने वाली ये देसी गर्ल विदेशों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं, और वाकई में प्रियंका चोपड़ा ने वो कर दिखाया जिसे करने के बारे में कोई नहीं सोच सकता, वो भी सिर्फ और सिर्फ 39 साल की उम्र में। जी हाँ, 18 जुलाई 1982 में जन्मी, भले ही 39 साल की हो गई हैं, लेकिन अपने लुक से इतनी ज्यादा उम्र की लगती नहीं है, और ये अपने काम में जो जोश दिखाती हैं वो वाकई बेहतरीन अदाकार बनाता है इनको। हमारे जल्लू भाई के पास तो उम्र को मुट्ठी में बांधकर रखने वाला फार्मूला है, शादी न करके उन्होंने जैसे उम्र छिपाने का कोई जादू अपने ऊपर कर लिया। उनकी उम्र कोई कह नहीं सकता कि आज 56 साल है। सल्लू भाई 27 दिसंबर 1965 को जन्म लिए। इन्होंने सच में एक्सरसाइज से और मेहनत से अपनी उम्र को मानो रोक कर रखा हो, और आज भी इन पर हजारों लड़कियां मर मिटने को तैयार बैठी है, और सलमान भाई के एक इशारे पर शादी के लिए खड़ी हो जाती हैं। कपूर खानदान की लाडली बिटिया करीना कपूर और नवाब खानदान की बहू के साथ साथ हमारी करीना कपूर अब दो बच्चों की माँ बन चुकी हैं। अब भले ही उनका वजन थोड़ा बढ़ चुका है, लेकिन आज भी इनकी खूबसूरती हजारों लड़कों का दिल जीत लेती है। भले आज दो बच्चों की माँ हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी उम्र बढ़ती दिखाई देगी। ये बॉलीवुड की उन हसीनाओं में से एक हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में काफी कुछ हासिल कर लिया है। सितंबर 1990 में जन्मी करीना आज 41 साल की हैं। मिसेज की बात कर ही रहे हैं तो भैया साथ में मिस्टर नवाब की भी बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं करीना कपूर के पति सैफ अली खान की। शायद आपको इनकी उम्र का सुनकर थोड़ा सा झटका सा लगे, पर आपको हैरानी होगी कि ये 51 साल के हो गए। देखने में काफी हैंडसम लगने वाले सैफ का जन्म 16 अगस्त 1970 को हुआ है। शाहरुख खान, अब बारी हमारे बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान की। इनकी एक्टिंग ने तो मतलब विदेशों में भी लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। 2 नवंबर 1965 को जन्मे शाहरुख खान भी सलमान खान की उम्र के हैं, यानी इनकी उम्र 56 साल के, और ये भी 30-35 साल के लगते हैं। दोस्तों जब बात हो रही है हमारे बॉलीवुड की तो हम सनी लियोनी के पीछे क्यों रखें? जब इतने सारे लोगों की बात कर रहे हैं तो सनी लियोनी की भी बात कर ही लेते हैं। ये भी तो हमारे भारत के हजारों लड़कों की चाहत है। ये बात अलग है कि अभी शादीशुदा हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं, पर इनकी खूबसूरती के चर्चे के बारे में आप जानती हैं, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। 13 मई 1981 को जन्मी सनी लियोनी की उम्र मात्र 39 साल है, और आज भी ये किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। क्योंकि दोस्तों सही कह रहा हूँ ना मैं? अभी कमेंट करके हमें बताएं कि बॉलीवुड के इन सितारों के बारे में आपकी क्या राय है। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।